नमस्कार दर्शकों, वंदन समाचार में मैं हूं रिचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर स्थित धामपुर की, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पूरा मामला थाना क्षेत्र के मटोरा इलाके का है, जहां एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में बिजली के तार काफी ऊंचाई तक झूल रहे हैं, जिससे युवक लाइन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई, जिस कारण गांव वालों में भी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने सरकार से बिजली के तारों और विद्युत खंभों को दुरुस्त कराने की मांग सहित 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। युवक की मौत के बाद परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन से तहसील अध्यक्ष धामपुर जी। आप जो है ये विक्रांत लड़के की जो डेट हुई है उसके बारे में, बिजली के तारों से हुई है उसके बारे में एडीओ साहब से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग सबसे पहले ये है कि बिजली के तार दुरुस्त हों, वहाँ जो खम्भे पम्भे गड़े हैं वो गड़ने की व्यवस्था हो तुरंत, और जो बच्चा गया है उसके परिजनों को मुआवजा दिया जावे। 10 लाख की कम से कम मांग करते हैं हम। इससे कम पर हमारी बात बनने वाली नहीं। इनका जो इन्होंने बताया अभी है जो साहब ने कि वो जो प्राविधान है, प्राविधान वाले पशुओं के मैटर जाने कितने लटके पड़े, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वे फाइलों में ही गुम रहते हैं। कोई मुआवजा नहीं मिलता टाइम पे। 5 साल से एक भैंस का मुआवजा गजुबरे का लटका पड़ा, आज तक नहीं मिला। एक्शन साहब को कई बार अवगत करा दिया और वो फाइल उसमें ही घूम रही है ना साहब। अब जब दोबारा भेजिए, अब जब तिवारा भेजिए, एक्शन साहब आवेंगे और वो मुआवजे का ऐलान घोषणा करेंगे कि हाँ भाई हम इन्हें इतना मुआवजा देंगे और कितने दिनों में देंगे। क्या सरकार की बिल्कुल गाइडलाइन ही के मरे हुए मृतक का, आदमी का या पशु का कितने दिनों में मुआवजा दिया जावे? इनके पास कोई लिमिट नहीं मुआवजे की भी, इन्हें कोई पता नहीं। केवल जनता के बीच माना है और खाना पूर्ति करनी के जो सरकारी सिस्टम होगा उसके तहत हम काम करेंगे। क्या सरकारी सिस्टम 5 सालों मुआवजा नहीं मिला, ऐसा सिस्टम है क्या? कोई गाइडलाइन ये हमें ये भी बता दो कि साहब 5 सालों भी मुआवजा नहीं मिलने का। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।